बिहार की धरती में आज पहला दौर का मतदान हुआ। इस मतदान में जिस तरह से बड़ी संख्या में नौजवानों ने शिरकत की, अपने सवालों को उठाया, उससे लगता है कि बिहार में तस्वीर बदल रही है। और यहाँ पर जो बुनियादी अधिकार की बात है कि रोजगार की गारंटी हो, नौकरी की गारंटी हो और सुरक्षा और सम्मान की गारंटी हो, इसे लेकर जिस तरह से लोग उतरे, उस पर हमने अलग अलग लोगों से बात की जो अलग अलग पेशियों के लोग हैं, और जानने की कोशिश की कि किस तरह से बिहार में जो एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जो सतह से नीचे भी हो सकता है, और वह फाइनली किस तरह से रिजल्ट में ट्रांसलेट होता है, हस्तांतरित होता है, यह तो बात की बात है। लेकिन आज जो जोश व खरोश दिखाई दिया, उससे एक शुभ संकेत भारतीय लोकतंत्र के लिए कम से कम दिखाई दे रहा है। चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है, क्या निकलेगा? चुनाव तो लंटेन छाप का बहुत ज्यादा है तेजस्वी यादव का, लेकिन वो तो काफी लोग बोल रहे हैं कि अभी बहुत कम उम्र है, ज्यादा जानकारी नहीं है। कितनों कम उम्र है तो उम्र पर नहीं जाइए, उनको देखने पर क्या लगता है कि कम उम्र है तो क्या होगा। लेकिन वो जो कहे हैं से वादा पूरा किए हैं राघोपुर क्षेत्र में। सब दिन पीपा पुल रहा, नैया चला, लेकिन इस बार पक्का पुल का निर्माण किए। बोले कि हम इस बार जीतेंगे तो हाथ लग जाए लगा देंगे, लेकिन हाथ लग गया पक्का पुल में। अखनी 136 पाया तैयार हो गया। मेरा वोट महिलाओं के मान सम्मान के लिए है, मेरा वोट आज़ादी के लिए है, मेरा वोट राजनीतिक बदलाव के लिए है, मेरा वोट सामाजिक बदलाव के लिए है, मेरा वोट रोजी रोजगार के लिए है। योगी जी से ब्राह्मण नाराज हैं या ब्राह्मणों के खिलाफ नाराज है? यहाँ पे भी कुछ नाराज है, उसका रिजल्ट तो मतलब ब्राह्मण का नाराजगी होना, ये तो रिजल्ट तुरंत चुनाव बताएगा। इतना इम्पोर्टेंट वोट है ब्राह्मण का बिहार में? निर्णायक वोट होगा, इम्पोर्टेंट तो छोड़िए ना, निर्णायक वोट होगा ब्राह्मण का यहाँ जी। हर कास्ट का तो वोट बट गया है, आप देख लीजिए रिगुना विधानसभा में एक भी ब्राह्मण नहीं खड़े हुए हैं। तो फिर ब्राह्मण कहाँ जाएगा? ब्राह्मण जाएगा किसके पास? वो रास्ता देखेगा, देख रहा है, वही गठबंधन देखेगा और क्या करेगा। कब से यहाँ काम कर रहे हैं? काम नहीं करते, गाड़ी चलाते हैं। तो बिजनेस ठीक चल रहा है? लॉकडाउन से फर्क पड़ा था कुछ? बहुत। देखिए बिहार में इस बार बदलाव होना एकदम तय है। लोग नीतीश कुमार और मोदी दोनों की जुमलेबाजी से तंग आ चुके हैं। रोजगार का सवाल बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, और जाति चूंकि समाज में है उसकी अपनी भूमिका है, लेकिन यह सवाल इस बार जाति के दायरे को पार करता हुआ सवाल है, और ये सिर्फ राजद का जो आधार माना जाता है या उसके साथ जो वामपंथी पार्टियां इस बार महागठबंधन में हैं उन्हीं के आधार की बात नहीं है, उस आधार से बाहर के नौजवान भी, उनका भी यह सवाल है। और एक बड़ा हिस्सा उनका चाहता है कि ये नीतीश कुमार की सरकार जाए, और ये वो यह नहीं सुनने को तैयार है कि तेजस्वी अनुभवहीन है। वो कह रहे हैं कि भाई हम एक मौका देना चाहते हैं, ये अनुभवी लोगों को हम लोग देख चुके, ये सिर्फ इतने वर्षों से जुमलेबाजी कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। और फिर जो कोरोना काल में इस सरकार ने जो भूमिका निभाई है, जिस तरह का निर्मम व्यवहार किया है, उसका परिणाम भी इसको मिलेगा। बेटी के बचाए खाते डबल इंजन गिराए हो गया।
हम देख रहे हैं कि युवा उभार पूरे देश में करवट ले रहा है, आज 72 जैसा एक माहौल फिर से बन रहा है, और इसीलिए क्योंकि मोदी जी के पिछले 6-7 साल के राज में देश में 3 बड़े आंदोलन, जिसमें एक आंदोलन रोहित धर्मला की संस्था छात्र नौजवानों का उभार जो शुरू हुआ, तो पहले एक आइडियोलॉजिकल कंटेंट के साथ एक लचर हिंसा के साथ, जब हमारे लोगों ने नारा दिया कि नए भारत के रास्ते भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते, जब जय भीम और लाल सलाम का नारा छात्रों में पॉपुलर होने लगा, तो उस वैचारिक वहाँ से शुरू करके आज पूरे शिक्षा रोजगार के लिए व्यापक बड़ा आंदोलन, और कोरोना काल में परीक्षाओं को रोकने के लिए, और आज ये आंदोलन कहीं भी कोई एक दो यूनिवर्सिटी का आंदोलन नहीं है, बड़े शहरों का नहीं है, एकदम गांव गांव कस्बे तक। तो हमारी ये कोशिश थी कि इस छात्र युवा उभार को पूरे देश के पैमाने पर उसको कैसे, और इसीलिए हमने कॉम्रेड संदीप को यहाँ प्रोग्राम बनाया, और हमने देखा कि जो हमने उम्मीद की थी उनके कैंडिडेट के जरिए, वो उम्मीद काफ़ी हद तक पूरी हुई। एक छात्र नौजवानों के मुद्दे जिस तरह से वो उनके पूरा अभियान छात्र नौजवानों पर केंद्रित, अजीत कुशवाहा को हमने उम्मीदवार बनाया डुमराव से, और डुमराव के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हाथों हाथ उनको ले लिया कि हमें ऐसे ही एक उम्मीदवार चाहिए था। वो हम देख रहे हैं कि जब कि नौजवानों में एक अच्छी बात ये हो रही है, जो जनरेशन शिफ्ट हो रहा है, बिहार का एक तरीके से संक्रमण का दौर, और ये जो नई पीढ़ी है और जिनके सामने अभी समय रोजगार का सवाल है, भविष्य का सवाल है, वहाँ वो कास्ट की सीमा वो टूट रही है, कहेंगे नहीं इतना जल्दी कि कास्ट खत्म हो रहा है, लेकिन ज़रूर उसकी सीमा जो है शिथिल हो रही है, जो प्रवासी मजदूर का मुद्दा है, प्रवासी मजदूर चाहे जिस जाति के हो, किसी सिर्फ दलित और अति पिछड़ी जाति के ही प्रवासी मजदूर नहीं है, जो लोग फंसे थे छात्र कोटा में सब, इसलिए लॉकडाउन ने, किसानों के संकट ने, बेरोजगारी ने एक हद तक जाति की सीमा को तोड़ दिया, तो लोगों को लग रहा है कि जो मुद्दे हैं वो सभी जाति के लोगों को कमोबेश एक ही ढंग से प्रभावित कर रहे हैं, और इसीलिए शायद नए ढंग से सोचने की ज़रूरत है, पुराने ढर्रे पर उसी पैटर्न पर सोचने से फायदा नहीं है। हम वोट दिले बानी मोनकिया कुंवर, रोटी रोजी खाती, पेंशन बढ़ावे खाती, बाल बच्चा के सबके मान समाज खाती, समान खाती, आजादी खाती। इन चुनाव में महंगाई या बेरोजगारी कोई मुद्दा है क्या? ये तो मुद्दा शुरू से चल रहा है, 2014 से ये तो मुद्दा 2014 से ही आ रहा है, 180 रुपया प्लाज हुआ, फिर तो प्याज 70 का हो गया है, ये तो सबसे बड़ी मुद्दा है, लेकिन लोग इस पे बोलते नहीं, कुछ लोग कहते हैं ऐसे ही हमेशा तो रहा है, वहीं हिंदू मुस्लिम करा देना है, राम मंदिर करा देना, तो लोग भूलेगा कैसे? राम मंदिर क्यों नहीं मुद्दा बन रहा बिहार में? कैसे मुद्दा बनेगा, झूठा का, मान लीजिए आपसे पहले भी बोले कि झूठ का कोई हद होता है, जब झूठ पे झूठ आप बोलते जाइएगा तो कितना मुद्दा दीजिएगा। जैसे सबसे ज्यादा क्या झूठ है आपके हिसाब से? झूठ तो जब से बोल रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी आए तभी से 2 करोड़ नौकरी दे रहे, पता ना नौकरी कहाँ चली गई, विशेष राज्य का दर्जा बिहार का पता ना कहाँ चला गया, बहुत सारे ऐसे वादे किए जो कुछ नहीं हुआ, धरातल पे तो दिख नहीं रहा है कुछ, आएंगे तो बोलेंगे कि 4 लाइन बनवा दिए, तो 2010 का प्रोजेक्ट है ये जो आपके यहाँ सामने बन रहा है, जो बन रहा है तो 2010 का प्रोजेक्ट है, आज जाके क्लियर हो रहा है, फिर ये बोले हम क्लियर कर देते, ऐसा कुछ थोड़ी है, बस वादे कर देना है, वादे करने में लगता है, लेकिन लोग तो वोट दे ही देता है ना, वही हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोग दे देता है, अगर मान लीजिए अभी हिंदू मुसलमान हो गया तो अब तो समझ में चुके हैं ना लोग, अब कैसे कर देंगे, बार बार यही थोड़ी होगा, पुलवामा करा दीजिए, जब चुनाव आएगा कहीं अटैक करवा दीजिए, तो लोग पागल थोड़ी ना है, बुर्बक थोड़ी जनता बैठा है, वो तो तुरंत तुमको ही ज्ञान दे देगा हमारे इसका क्या रिजल्ट होगा, आप देख लीजिए, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल कीजिएगा, क्या लगातार झूठे बोलिएगा तो जनता पागल थोड़ी बैठी है। तो आपको लगता है कि बिहार में लोग समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं, नहीं समझते तो इतना एक तेजस्वी है, पूरा केंद्र का मंत्री लगा हुआ है, इतना भीड़ कहाँ से इकट्ठा हो रहा है, बिना समझे हुए लोग समझ रहे हैं तब ना, लेकिन लोग कह रहे हैं उसकी उम्र बहुत कम है, उसको ज़्यादा समझ नहीं आती है, इसका उम्र एक बैग सबसे ज़्यादा, सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव बना था, उस समय तो उसका भी उम्र 28 साल था, उससे भी कम उम्र का थोड़ी है, तो 31 साल का हो गया, तो आपको लगता है इस उम्र में संभाल सकता है? जरूर संभाल सकता है, जब राजीव गांधी 40 साल की उम्र में देश संभाल सकते हैं तो ये मुख्यमंत्री एक राज्य नहीं संभाल सकता है।
आप तो दूसरी कास्ट के हैं, कास्ट से क्या लेना देना है, हम तो जिस कास्ट से उस कास्ट को कोई नहीं जानता है, जो आएगा वो तो स्वर्ण को ही दबाएगा। हम वोट देले बानी शिक्षा रोजगार खाती या बेटी के मान सम्मान खातिर आ रोजी रोजगार खाती। बिहार का बहुत आदमी बाहर से वापस आया, बिहार के बहुत आदमी तो मर गया प्रदेश में, अब कितना आदमी आया, कितना आदमी का आने का संभावना नहीं हुआ, तो वो आदमी का क्या कि अपने आप को ट्रेन से भी कट गया था सर। ये सब मुद्दा रहेगा चुनाव में? अभी तो अब आगे के चल के अब क्या होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको मेरी आत्मा विश्वास है कि मेरा नेता अमित जीतेगा। दूसरा एक जो चीज़ नहीं दिख रही है आमतौर पे उस पर, चूँकि जातीय समीकरण पर लोग बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, किसानों और खेत मजदूरों की दशा बहुत खराब हुई है, और इस बार के चुनाव में जो उनके जीवन के सवाल हैं वो फोकस में आ गए हैं, और वही लगातार उसको भटकाने की कोशिश की जा रही है, और वो लेकिन वो सवाल बने हुए हैं, इसलिए उन सवालों का बने रहना जो मौजूदा सरकार है उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा है। और दिलचस्प ये है कि ये जदयू हो या भाजपा हो, वही इन बुनियादी मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है पूरे चुनाव प्रचार को, और लोग इसको समझ रहे हैं। तो जाति तो इस समाज में है, लेकिन जाति की अगर के हिसाब से अगर देखिएगा तो जिसको पॉपुलर लहजे में कह रहे हैं कि मनुस्मृति थोपने की कोशिश की जा रही है और संविधान को ये लोग नष्ट कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकार को, लोकतांत्रिक अधिकार को नष्ट कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा जो कहिए कि जो वर्चस्वशाली जातियां हैं उसके बरक्स जो एक बड़ी आबादी है दलित पिछड़ों की, हालांकि उसमें भी से हमारी एनडीए की है, लेकिन तब भी महागठबंधन बनने के बाद उसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, और मुझे लगता है कि वो इस बार सरकार को तो बदल ही देगा, और ये जो सरकार बनेगी उस पर जनता के इन बुनियादी मुद्दों का दबाव रहेगा, और शायद यह बहुत यह सकारात्मक होगा बिहार के लिए, क्योंकि लोग देख चुके हैं कि भाई दो दो सरकार केंद्र में सरकार रही, यहाँ भी सरकार रही, बिहार का पैकेज तो लोग भूल गए, अब बिहार के पैकेज पर कोई बातचीत नहीं करता है, डीएनए बिहारी डीएनए भेज रहे थे लोग, तो मुझे लगता है कि इस बार बिहार का असली डीएनए यदि चुनाव दिखाएगा। जब तक सीगर पूरी आएगा नहीं तो फिर सुधार होगा कैसे, कुछ तो नई सोच लाना पड़ेगा ना, तो कुछ पर बदलना तो जरूरी ही है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल क्या हुई, जैसे अभी भाजपा का जो चुनाव प्रचार चल रहा था उसमें मोदी जी का भी पोस्टर लगा था कि हमने सब बिहारियों को घर पहुंचाया वापस, लेकिन बिहारी तो झूठे पे कोई बोल होता है, मान लीजिए जिसको झूठे बोल देना जो भी मन वही बोल दे, अभी तो तेजस्वी 10 लाख नौकरी के लिए बोला, तीन लोग हिसाब मांग रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा, कल परसों मोदी जी आए थे और 19 लाख को ऐलान करके चले गए, पता नहीं वो कहाँ से देंगे, तो झूठा क्या कोई मान लीजिए कि ये थोड़ी है जो मन में बोल देना। लेकिन 2019 में तो बिहार ने बहुत बड़े पैमाने पर मोदी जी को वोट दिया और उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का भी वादा किया था। चुनाव का अलग मोमेंट है और विधानसभा का अलग मोमेंट है, विधानसभा में लोग अपना क्षेत्रीय नेता चुनते हैं, व्यक्तिगत वोट भी होता है, व्यक्तिगत वोट के चलते लोग को अपना लगाव अपना सोच या अपना नज़दीकी प्रत्याशी लोग चुनते हैं, जैसे यहाँ पे युवा प्रत्याशी राकेश ओझा है, सहानुभूति वोट है, कुछ युवा के नाते उन पर चढ़ रहा है, जो किसी शोभा देवी के पुत्र हैं वो, और बीजेपी प्रत्याशी का सीट इसीलिए उनका डिस्टर्ब हो रहा है शोभा देवी के चलते, नहीं तो वहाँ बीजेपी ही निकलते है, बीजेपी का मतलब गढ़ है, बीजेपी का ही सीट है, इसके पहले भी 10 साल विधायक रह चुके हैं मुनि देवी, बहुत जगह तो सीट सीट के लिए मतलब सीटिंग विधायक को लेकर के सीट फंस रहा है बीजेपी का, ऐसा भी बहुत जगह हुआ है, नया चेहरा उतार दिया अनजान अनजान जगह से प्रत्याशी ला करके और नया नया प्रत्याशी डाल दिया जो कोई पहचानता ही नहीं, जिनका कभी नाम भी नहीं आया हुआ है।
मेरा नाम चिंटू है, मैं भोजपुर के तरारी विधानसभा से, मैंने अपना वोट शिक्षा और रोजगार के लिए दिया है, मान और सम्मान के लिए दिया है, बेटियों को सुरक्षा और बराबरी का अधिकार देने के लिए दिया है, और डबल बुलडोज़र की सरकार को गिराने के लिए दिया है। और मेरा ये वोट सांप्रदायिकता के खिलाफ, शांति और अमन के लिए गया है। जो पहले चरण का चुनाव हुआ है, निश्चित तौर पर इसकी छाप आने वाले दोनों चरणों पर पड़ेगी। यहाँ पर एक तरह से एजेंडा सेट हुआ है, एजेंडा है बिहार के असली विकास का। एजेंडा सेट ये हुआ है कि जातियों को जिस तरह से देखने की आदत पॉलिटिकल क्लास ने पैदा की थी, वह मर्ज हो रही है, वह मिक्स हो रही है। इसीलिए हमने इस एपिसोड में कोशिश की अलग अलग जाति समूहों से बात करने की, और जानना चाहा कि वे अगर वोट दे रहे हैं तो किस आधार पर वोट दे रहे हैं। उन्हें अगर भाजपा और नीतीश से समस्या है तो उस समस्या की जड़ क्या है। बहुत ही दिलचस्प इसमें समीकरण सामने उठ के आए हैं कि दबंग जातियों में भी असंतोष और आक्रोश बहुत तगड़ा है। इसकी अपनी अलग वजहें हो सकती हैं, लेकिन वे अपना असंतोष रख रहे हैं। और शायद भारतीय लोकतंत्र के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि असंतोष को जगह मिले, स्पेस मिले। Thank you.